रुकते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर आजकल पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए परिवहन विभाग में अनेकों गलतियां होने का आरोप लगाते हुए उन गलतियों को ठीक करने में ही उनका काफी समय लगने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर आजकल पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, गोविंद सिंह ठाकुर ने पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए परिवहन विभाग में अनेकों गलतियां होने का आरोप लगाते हुए उन गलतियों को ठीक करने में ही उनका काफी समय लगने की बात कही है। यही नहीं, गोविंद सिंह ठाकुर ने 2014 और 15 से विभाग से संबंधित पेंशन होल्डर, ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक के रुके हुए कई लाभों को देने की बात कहते हुए अब एचआरटीसी की सही पटरी पर चलने का दावा भी किया। वहीं परिवहन मंत्री ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल बस का सहारा लेने की बात कही, जिसके पहले चरण में राजधानी शिमला को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल बसें चलाने के बाद मनाली व धर्मशाला की सड़कों पर भी इलेक्ट्रिकल बसें दौड़ाने का प्लान तैयार किया है। वहीं गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएं ताकि प्रदूषण की समस्या को दूर कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। कि पूर्व सरकार के समय में गलतियां इतनी अधिक हुई कि उनको ठीक करने में बहुत समय भी लगा, लेकिन अब हमारी एचआरटीसी बिल्कुल ठीक रास्ते पर चली है। आप देखेंगे 2014-15 से पेंशन होल्डर्स हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, इन सब के कई ऐसे लाभ थे जो दिए नहीं गए थे और उन सबको आज हमने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया है और सबका जो भी देय है सबको हम पूर्ण रूप से दे रहे हैं। और अभी जो बसेज के मामले में अभी हम इस वर्ष में लगभग 400 और 500 के करीब नई बसेज को हम खरीदने वाले हैं ताकि जिन बसों को बदला जाना, जिनकी स्थिति ठीक नहीं उनको बदलेंगे। एचआरटीसी के अंदर अभी एक और नया काम जो हमने किया है कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं और आने वाले 2 महीना में हम शिमला को तो कम्प्लीटली हम इलेक्ट्रिकल बसेज ही वहाँ पर चलाने वाले हैं और उसको सारा करेंगे और इसके बाद धर्मशाला, मनाली और पूरे हिमाचल प्रदेश, अब बिलासपुर में भी हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग स्टेशन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे सब जगह पर, ताकि धीरे धीरे पर्यावरण यानी हमारा स्वच्छ रहे, उस दृष्टि से इलेक्ट्रिकल क्षेत्र को हम बढ़ावा देने वाले हैं।